Welcome to Gate Academy. Today we will discuss shear force bending moment diagram. ये topic है strength of material का, जो civil engineering और mechanical engineering दोनों के लिए बहुत important है. So उसके लिए shear force bending moment diagram की जरूरत क्यों पड़ती है, ये पहले जानते हैं. Shear force bending moment diagram की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको beam design करना है या shaft design करना है, तो उसके लिए आपको maximum value of bending moment की जरूरत पड़ेगी on the basis of strength criteria. तो उस समय हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स, टू नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. कई टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के, कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन हो गया, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोलिक हो गया, क्यूबिक पैराबोलिक हो गया, देखेंगे धीरे से. लेकिन शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने से पहले या फिर उस डायग्राम को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जाननी जरूरी है. क्या बेसिक चीजें जाननी जरूरी है, जैसे कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम्स, ठीक है ना. तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, कितने टाइप के सपोर्ट्स देख सकते हैं इसमें. दो टाइप के मेनली सपोर्ट्स देखेंगे, एक होता है आपका सिंपल सपोर्ट, दूसरा होता है फिक्स सपोर्ट्स. सिंपल सपोर्ट में क्या रहेगा, अपन दो टाइप के देखेंगे इसमें, एक होगा रोलर और दूसरा होगा हिंज. रोलर सपोर्ट हमेशा कैसा रिएक्शन देगा, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस. ये अगर आपका ये कैसे दिख रहा है, ये वर्टिकल दे रहा है क्योंकि ये नॉर्मल टू सरफेस. अगर यहीं पे आपका रोलर सपोर्ट ऐसा कुछ रहता, ये फॉर एग्जांपल, तो यहां पे सपोर्ट कैसा आता, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, समझ में आ रहा. तो नॉर्मल टू सरफेस देगा रोलर सपोर्ट. हिंज सपोर्ट कैसा रिएक्शन देता है, दो रिएक्शंस देते हैं, एक होता है आपका वर्टिकल रिएक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. उसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसका रिजल्टेंट है आर, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, थीटा एंगल. मतलब उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितना है, थीटा. तो थीटा निकालने के लिए मैं टेन थीटा आर ए वी अपॉन आर ए एच करूंगा, तो वहां से मुझे क्या निकल जाएगा, थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ. ओके, एंड रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रूट ओवर ऑफ आर ए एच स्क्वायर प्लस आर ए वी स्क्वायर. तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट. ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं. अब ऐसे दूसरा सपोर्ट होता है आपका फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शंस आएंगे, तीन. दो रिएक्शन आएगा, एक होगा आपका वर्टिकल रिएक्शन, दूसरा आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक आएगा आपका मोमेंट. ठीक है, तो ये आपके तीन रिएक्शंस आएंगे. तो आपके ये जब जो सपोर्ट्स हैं उसमें रिएक्शंस निकालने के लिए आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा. स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होते हैं, जो अपन शुरू से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जैसे यूज करते हैं ना, वैसे ही इक्वेशंस. तीन इक्वेशंस होते हैं मेनली, दैट इज योर समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो. आपका जो हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन आ रहा है ना, दैट उसका समेशन इक्वल टू जीरो इज द फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. सेकेंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, या फिर आपका वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, वर्टिकल फोर्सेस देखेंगे. और तीसरा होगा आपका मोमेंट. मैं सिर्फ रिएक्शन निकालने की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स. सो यहां पे हम तीसरा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मोमेंट, जो कि एंटी क्लॉकवाइज क्या कंसिडर करूंगा मैं, पॉजिटिव. तो समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो. ठीक है, आप इसको क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव कंसीडर करते हो एज यू विश, लेकिन मैं पूरे टॉपिक में जब रिएक्शन निकालने की बात होगी तो इसको एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसीडर करूंगा. ठीक है, तो ये तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जो रिएक्शन निकालने के लिए यूज होता है. देखेंगे आगे की रिएक्शन कैसे कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो अपन मेनली शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट किसके लिए ड्रॉ करने वाले हैं, बीम के लिए. तो उसके लिए जानना जरूरी है कि बीम कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन समझ में आया, कितने इक्वेशन हुए, तीन. ठीक है, वेरी गुड. नाउ टाइप्स ऑफ बीम्स, टाइप्स ऑफ बीम्स में देखते हैं कि मेनली आपके दो टाइप के बीम होता है. एक होता है स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस जो आने वाले हैं सपोर्ट्स में वो या तो कम होगा या तो ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के. ठीक है, तो इसमें मेनली अपन कैटेगराइज करेंगे तो तीन टाइप्स के बीम दिखेंगे. ओके, देखते हैं. दूसरा, इसमें अगर टाइप्स ऑफ बीम में देखूंगा तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम होता है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस जो आएंगे सपोर्ट्स पे वो नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तभी आपका ये क्या कहलाएगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम. ठीक है ना, हम लोग ये तीनों इक्वेशन यूज करके डायरेक्ट रिएक्शन नहीं निकाल सकते, इसके लिए एक इक्वेशन लाना पड़ता है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस देखेंगे उसमें भी.
ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम में, तीन टाइप के बीम देखेंगे अपन। एक होगा आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में आपका क्या होगा कि एक फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरा साइड आपका फ्री रहता है। अगर इसमें आपका फोर्सेस लगेंगे तो तीन टाइप के रिएक्शन आएंगे। फिक्स सपोर्ट के कितने रिएक्शन आते हैं? तीन। एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट का, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे सब जगह। ये कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करते हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे कहीं के भी क्वेश्चंस हो, चाहे आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन हो या गेट के क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चंस हो, है ना। देखेंगे जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चंस इजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट लेके चलते गए तो। ठीक है, बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपल सपोर्ट आपका एक हिंज सपोर्ट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? रोलर सपोर्ट रहेगा। हिंज सपोर्ट कैसा है? हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्शन आएंगे? दो। दिख रहा है? दो रिएक्शन आएंगे, एक है वर्टिकल एक है हॉरिजॉन्टल। हाँ, उसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और एक रहेगा आपका रोलर सपोर्ट जो कि नॉर्मल टू सरफेस देगा रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे भी देखो तीन रिएक्शन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितने? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने? तीन, ठीक है ना। तो यहां पे नंबर ऑफ रिएक्शन भी तीन है, तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम हुआ, ठीक है ना। सिमिलरली आपका ओवरहैंगिंग बीम होता है, ये क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड में हम अपन एंड में सपोर्ट्स करते हैं, एंड में सपोर्ट्स देते हैं, इसमें इंटरमीडिएट स्पैन में सपोर्ट देते हैं ओवरहैंगिंग बीम में। इसमें भी आपका दो सपोर्ट होता है, इसमें भी दो सपोर्ट होता है। तो ये जो सपोर्ट दिए हैं, ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट में दिए हैं कहीं पे, तो ये वाला जो लेंथ कहलाता है ये स्पैन या फिर लेंथ कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरहैंगिंग लेंथ या फिर ओवरहैंगिंग स्पैन कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है। सो यहां पे अगर ये जो रोलर सपोर्ट है ये हिंज सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, हिंज सपोर्ट अगर दे दिए, तो ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम के। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैं हिंज सपोर्ट दिया, ये तो ऑलरेडी हिंज है, तो यहां पे दो रिएक्शन, यहां पे दो रिएक्शन, कितने रिएक्शन हो जाएंगे? चार। नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज थ्री, तो नंबर ऑफ रिएक्शन इज मोर देन टू द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो ये क्या हो जाएगा? स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम। तो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम में अपन देखेंगे कि आपका इसमें क्या था, कंडीशन क्या था? नंबर ऑफ रिएक्शन इज मोर देन नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इसमें भी मैं तीन कैटेगराइज किया हूं। वन इज योर फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या है कि दोनों एंड फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड में कितने रिएक्शन आते हैं? तीन, ठीक है। कौन कौन सा? वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट, ठीक है। तो यहां पे भी तीन रिएक्शन, यहां पे भी तीन रिएक्शन, टोटल कितने रिएक्शन हो गए? छह। नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज थ्री, ओके। दैट्स व्हाई यहां पे ये क्या हो गया? स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम। सिमिलरली आपका कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है? आपका जो सिंपली सपोर्टेड या ओवरहैंगिंग बीम है ना, वैसा ही होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ सपोर्ट्स हैं वो रहेंगे मोर देन टू। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या हो गए? मोर देन थ्री। That's why this is your statically indeterminate beam. वैसे ही होता है cantilever, cantilever propped beam, ठीक है, cantilever propped beam. इसमें क्या होता है कि आपका free end में या फिर nearer to the free end आपका एक और support दे देते हैं, simple support, चाहे वो hinge हो या फिर roller support हो, तो वो क्या हो जाता है? Statically indeterminate beam, क्योंकि number of reaction at the fixed support three. और हिंज सपोर्ट या फिर इसमें सिंपली सपोर्टेड दे दूंगा तो रिएक्शन बढ़ा देगा, तो मोर देन थ्री। और अपने पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं? तीन। इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम। प्रॉप क्या कहलाता है? जो सपोर्ट्स देते हैं, जो सपोर्ट्स देते हैं कैंटिलीवर बीम में, या तो नियर टू द फ्री एंड या फिर एट द फ्री एंड, दैट इज यूर नोन एज प्रॉप। तो ये हो गया आपका कैंटिलीवर प्रॉप्ड बीम, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी देखे हम लोग क्या देखे? टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम्स, ठीक है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। मेनली हम डिस्कस करेंगे दो टाइप के लोड का, एक रहेगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एक होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड में दो टाइप के होंगे, पॉइंट लोड जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करेगा, पॉइंट लोड दैट इज कंसिडर एज अ फोर्स, ओके। दूसरा रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा? एक्ट करेगा मोमेंट, ओके, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और दूसरा होगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड।
इसमें इंटेंसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, इसमें इंटेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यूनिफॉर्मली रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी कैलकुलेशंस कैसे होते हैं देखते हैं धीरे से, ठीक है ना। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें अलग अलग कंडीशन के लोड लगे हुए हैं। देखते हैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम, मतलब एक साइड क्या है हिंज, दूसरे साइड क्या है रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो ये बीम में कैसे रिएक्शन आएगा, हिंज में कैसे आता है भाई रिएक्शन, एक आएगा वर्टिकल रिएक्शन आर ए वी ए पॉइंट पे, दूसरा होगा आर ए एच, रोलर पे कैसे आएगा, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज योर आर बी वी, और आर बी बस बोलता हूं इसको, ठीक है, दैट इज योर रोलर सपोर्ट में रिएक्शन आया। अब इसका अगर एफबीडी बनाऊं, और एफबीडी से पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं कि यहां पे ये क्या लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है जिसमें 10 किलो न्यूटन का इस साइड इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और 2 मीटर के डिस्टेंस में 10 किलो न्यूटन का इस साइड एक फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों मिला के क्या देंगे, एक कपल देगा, कपल कैसा देगा, जो कि क्लॉकवाइज जाएगा, कैसा जाएगा क्लॉकवाइज, सो इट विल बी लाइक दिस, ओके। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 इंटू ये वाला डिस्टेंस टोटल, दैट इज यूर 20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एक एंगल है जिसमें आपका 10 किलो न्यूटन वर्टिकल फोर्स लगा है, तो क्या करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा है, लेकिन वो क्या होता है कि आपस में कैंसिल हो जाता है। तो आपको सिंपल एक ही चीज ध्यान रखना है कि भाई टोटल डिस्टेंस से मैं क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा कि ये एक वर्टिकल फोर्स लगा है 10 किलो न्यूटन का, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो देखते हैं क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि यहां पे मैं एक सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दिया 10 किलो न्यूटन, अब इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उसी पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिला के क्या बनाएगा, कपल, सिमिलरली ही, और वो कपल का डायरेक्शन क्या होगा, जो ओरिजिनली फोर्स लगा हुआ है, तो वो इधर ला रहा है, ये एंगल को इधर लाएगा ना जी, तो ये वाला आपका हो गया क्या, कपल, और ये कपल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये और ये कितने डिस्टेंस पे है 1 मीटर, तो दैट विल बी योर 10 किलो न्यूटन मीटर, और एक वर्टिकल फोर्स रह गया। चलो देखते हैं इसका एफबीडी अगर मैं बनाता हूं तो कितने रिएक्शंस आते हैं और क्या क्या आते हैं, इट विल बी आर ए वी आर बी वी, यहां पे आपका एक आया क्या, कपल, कितना 20 किलो न्यूटन मीटर का, यहां पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या तो ऐसा शो कर सकता हूं या तो इसको ऐसा भी शो करते हैं भाई एक रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है, ऐसा भी शो कर सकते हैं। इसका इंटेंसिटी कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहां पे आपका एक वर्टिकल फोर्स लगा है 10 किलो न्यूटन का, ये वाला वर्टिकल फोर्स रह गया था ना, ये वाला और ये वाला मिला के क्या बनाया था, कपल, तो ये वाला 10 किलो न्यूटन का वर्टिकल फोर्स रह गया था, ये और ये मिला के एक कपल बनाया, कपल कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन मीटर, यहां पे आपका एक रिएक्शन आया आर बी, ठीक है, और सब डिस्टेंस कितना है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ये वाला डिस्टेंस भी 2 मीटर और ये वाला भी डिस्टेंस आपका 2 मीटर दे रखा है। अब मुझे मेनली क्या फाइंड आउट करना है, ये रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं आर ए वी आर बी वी एंड आर, सॉरी दिस इज योर आर ए वी आर ए वी, दिस इज योर आर बी, तो ये तीन रिएक्शंस अपने को फाइंड आउट करना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आर ए एच, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शंस हमें निकालने हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करूंगा, मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूंगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज नंबर 1, दैट इज योर समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो इसमें जब ये इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, सिर्फ एक ही रिएक्शन देख रहा है दिख रहा है, दैट इज योर आर ए एच इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन, एक रिएक्शन निकल गया आर ए एच कितना है भाई 0 है, ठीक है ना। दूसरा होगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और इसी को मैं बोलूं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0।
तो ये जब अप्लाई करूंगा तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर करूंगा। देखते हैं वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर करते हैं, कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं। ये वर्टिकल फोर्स है एक, ये वाला वर्टिकल फोर्स है, ये वाला वर्टिकल फोर्स है, ये वाला वर्टिकल फोर्स है। जब ये अप्लाई करूंगा तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा किसमें, समेशन ऑफ एफ वाई में। देखते हैं भाई, मैं शुरू करता हूं, इधर से शुरू करता हूं, ठीक है। तो ये हो गया, जितना ऊपर जा रहा है मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा और जितना नीचे आ रहा है निगेटिव कंसिडर करूंगा, एज यू विश, दैट डिपेंड्स। ओके, नाउ दैट इज योर आर बी ऊपर जा रहा है तो आर बी यहां पे 10 किलो न्यूटन की दर आ रहा है नीचे, तो -10। उसके बाद ये क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यूडीएल। तो इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपको तीन कंडीशन फॉलो करने हैं। पहला कंडीशन, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पहला कंडीशन है आपका कि टोटल वेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्लेन फिगर। मतलब टोटल वेट, इसका टोटल वेट क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकाल दूंगा वही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा। ये प्लेन फिगर है, इसका एरिया निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टोटल वेट, ठीक है। दूसरा है कि लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन फिगर ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसका एक सेंट्रॉइड निकाल लूंगा, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल का देखेंगे, ट्रायंगल में कैसे होता है, जैसा भी होगा, ठीक है ना, उसका क्या निकालूंगा, सेंट्रॉइड निकालूंगा। और वो सेंट्रॉइड क्या करेगा, उसी सेंट्रॉइड पे आपका टोटल, ये देखो क्या लिखा है, रिप्रेजेंट दैट लोड, रिप्रेजेंट द टोटल वेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ दैट फिगर। मतलब आपका ये जो टोटल एरिया निकाले रहूंगा वो कहां रिप्रेजेंट करेगा, मेरे उस प्लेन फिगर के सेंट्रॉइड पे, किसके, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के सेंट्रॉइड पे, ठीक है ना। देखते हैं, इसका एरिया निकालूंगा, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है 2 मीटर, इंटेंसिटी इज द विड्थ, तो 2 मीटर, 2 × 10 दैट विल बी यूर वॉट, और ये किधर ला रहा है, नीचे ला रहा है, तो ये हो जाएगा टोटल लोड, तो दैट विल बी यूर 20। अब देखो इसको मैं, ये कहां पे एक्ट करेगा, सेंट्रॉइड पे, तो सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा, लेकिन अभी डिस्टेंस का रोल है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ एफ वाई लगा रहा हूं। डिस्टेंस का रोल या मोमेंट का रोल कब आएगा, जब थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, दैट विल बी यूर मोमेंट इक्वेशन, इन द मोमेंट इक्वेशन ये सब रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस भी रोल प्ले करेगा, देखते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आया, 2 × 10 = 20, ठीक है। उसके बाद यहां पे कोई लोड है क्या, नहीं है, सीधा आपका आर ए वी है, सो वो ऊपर जा रहा है, तो प्लस आर ए वी इक्वल टू जीरो, तो टोटल कितना हुआ, आर बी प्लस आर ए वी इक्वल टू 30, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। अब थर्ड इक्वेशन लगाता हूं, थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज द एंटीक्लॉकवाइज पॉजिटिव समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो। मैं पॉइंट ए पे मोमेंट ले रहा हूं, पॉइंट ए पे मोमेंट ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं कहीं पे भी मोमेंट कंसीडर कर सकते हो, नॉर्मली आप उसके लिए जाओ जहां पे मैक्सिमम अननोन है, वो ज्यादा यूजफुल होगा। दैट इज योर एट द पॉइंट ए मैं क्या लिया, मोमेंट लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब मैं शुरू करता हूं इधर से, ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मैं पॉजिटिव कंसिडर किया हूं, आर बी किधर ले जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज योर, ये वाले फिगर में देखते हैं जो एफबीडी बना है, आर बी किधर ले जा रहा है जी, एंटी क्लॉकवाइज, तो आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना हो गया 10 मीटर, आर बी इंटू 10, ये किधर ला रहा है, ये पॉइंट लोड, पॉइंट लोड नीचे ला रहा है, दैट इज योर माइनस, नीचे मतलब क्लॉकवाइज हो गया, तो -10 × 8। उसके बाद ये किधर ले जा रहा है, क्लॉकवाइज, दैट इज योर -10, ठीक है। ये वाला किधर ले जाएगा, फिर से नीचे क्लॉकवाइज ले जाएगा, तो ये टोटल वेट कितना आया था, 10 × 2, टोटल वेट हो गया था एरिया, और वो कहां एक्ट कर रहा था, सेंट्रॉइड पे, कहां पे, सेंट्रॉइड पे 20 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा, तो यहां से उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सेंट्रॉइड कितना हुआ, 2 मीटर का हाफ हो जाएगा 1 मीटर, और यहां से टोटल कितना हो जाएगा, 5 मीटर, समझ में आ रहा है क्या, 2 का हाफ सेंट्रॉइड लिया, और यहां से ये तो 2 + 2 वो तो हो गई, तो टोटल हो गया आपका 5, 20 × 5, नीचे ला रहा है क्लॉकवाइज, दैट इज योर -20 × 5। उसके बाद ये वाला मोमेंट फिर से क्लॉकवाइज ले जा रहा है, तो ये हो जाएगा -20 =
जीरो, क्योंकि यहां पे कोई मोमेंट आएगा नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट मैं क्या ले रहा हूं, मोमेंट ले रहा हूं, ठीक है। तो आपका ये एक इक्वेशन बन गया, तो ये क्या हुआ आरबी इंटू टेन इक्वल टू ये हो गया 80 प्लस 10 90 और ये हो गया 100 190 और प्लस 210, तो आरबी इक्वल टू 21 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो आपका आर ए बी निकल जाएगा कितना 9 किलो न्यूटन। तो ये रिएक्शंस निकल गए माय डियर, ठीक है, 21 किलो न्यूटन और 9 किलो न्यूटन, ये क्या हो गए आपके रिएक्शंस निकल गए। तो समझ में आया अप्रोच कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, जो बेसिक्स देखे थे अपना रिएक्शंस वो अप्लाई करना है, उसके बाद अपने तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करने हैं। अब ये तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूंगा तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया अपना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहा या वेरिंग लोड रहा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहा तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में आपको तीन चीजें करनी है। पहला कि टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो वेट रहेगा, टोटल वेट वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्लेन फिगर, इसका टोटल क्या रहेगा, एरिया रहेगा, क्या रहेगा, टोटल एरिया रहेगा, ठीक है। और दूसरा रहेगा कि भाई उसका मैं क्या निकालूंगा, सेंट्रॉइड निकालूंगा, और वो एक्ट कहां करेगा, उसी सेंट्रॉइड पे करेगा, ठीक है ना। एक अब क्वेश्चन लेते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें हमें क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। इसमें एक यूवीएल लगा हुआ है और एक एंगल पे आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है 50 किलो न्यूटन। इस एंगल का ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 मीटर और ये वाला डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। देखते हैं कैसे आएगा रिएक्शन। ये क्या है, हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट में कैसा आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा आर ए बी, एक हॉरिजॉन्टल आएगा आर ए एच, और यहां पे क्या आएगा नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज योर आर बी। तो ये क्या हो गए, रिएक्शंस हो गए। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करूंगा। यहां पे सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाया, यहां पे सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाया 50 किलो न्यूटन 50 किलो न्यूटन, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिला के क्या देगा, कपल देगा, और उस कपल का डायरेक्शन क्या होगा, जो ओरिजिनल फोर्स लगा हुआ ये इधर, और यहां पे डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट विल बी यू 50 × 2, तो कितना हो गया 100 किलो न्यूटन मीटर का कपल लगा और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रह गया। तो फाइनली अगर एफबीडी बनाऊंगा सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो इट विल बी लाइक दिस, कि यहां पे क्या आया, एक वर्टिकल रिएक्शन आया आर ए बी, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आया आर ए एच, दिस इज योर पॉइंट ए, और आपका सी पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में कितना 50 किलो न्यूटन का, और ये वाला क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिलके एक कपल बनाया किधर, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, दैट इज योर कितना बना रहा है भाई 100 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। और यहां पे आपका डी पॉइंट से ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये टोटल कितने डिस्टेंस पे लगा है 6 मीटर डिस्टेंस पे। यहां पे एक रिएक्शन आ गया था आर बी, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है आपका 2 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर। अब इसमें टोटल मैं कितने इक्वेशन अप्लाई करूंगा, तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूंगा। पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई किया, फर्स्ट दैट इज योर समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो बोलूं, या फिर इसी को मैं बोलता हूं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, दैट विल बी योर आर ए एच, इस डायरेक्शन में जा रहा है आर ए एच, इस डायरेक्शन में जा रहा है और 50 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आर ए एच माइनस 50 इक्वल टू जीरो, तो आर ए एच कितना आया भाई 50 किलो न्यूटन, एक रिएक्शन निकल गया। दूसरा इक्वेशन अप्लाई करूंगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई करूंगा तो देखते हैं जितना ऊपर जा रहा है मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं और जितना नीचे आ रहा है निगेटिव कंसीडर करूंगा। तो ये क्या हुआ, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है जिसकी इंटेंसिटी 0 to 10 है, क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना हो जाएगा टोटल
आपका 6, हाइट कितना हो गया 10, तो 6 into 10, तो into 60, दैट विल बी योर 30 kN. आपका ये टोटल लोड आ जाएगा, और वो टोटल लोड कहां एक्ट करेगा, एट द सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा, इट विल बी योर 30 kN. और ये सेंट्रॉइड ये वाले पॉइंट से वर्टाइसेस से कितना होता है भाई, 2/3 h, या फिर मैं बोलूं ये वाला लेंथ, दैट इज योर 6, और ये बेस से वही हो जाता है 1/3, दैट इज योर आपका 6 into 1/3, तो 6/3, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 4 meter, और ये वाला हो गया आपका 2 meter. तो आपको सेंट्रॉइड समझ में आया कि ट्रायंगल का कैसे लेना है सेंट्रॉइड, दैट इज योर कि ये वाला हमेशा याद रखना, ये जो कॉर्नर पॉइंट है वहां से 2/3 हो जाता है, और जो बेस है वहां से 1/3 हो जाता है. ये जितना भी हो, अगर ये हाइट h है, ये वाला लेंथ l है, h बोलो या l बोलो, जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल l है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2/3 l यहां से सेंट्रॉइड, और यहां से हो जाएगा 1/3 l, ठीक है ना. तो यहां से हो गया, अगर इधर से जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 meter, इधर से आया तो ये हो गया आपका 2 meter, ठीक है. तो अब देखते हैं समेशन ऑफ एफ वाई, यहां पे टोटल कितना लोड लग रहा है 30 kN, ये हो गया, आर बी ऊपर जा रहा है, तो आर बी प्लस लिया ऊपर जा रहा है, ये कितना आ रहा है 30 kN, नीचे आ रहा है -30. उसके बाद यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं ले रहा हूं, वर्टिकल फोर्स ले रहा हूं, और ये क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट भी आपका कोई रोल प्ले नहीं करेगा फोर्सेस कैलकुलेशन में. अब ये आर ए वी ऊपर जा रहा है, तो प्लस आर ए वी इक्वल टू जीरो, तो आर बी प्लस आर ए वी इक्वल टू 30, ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना. अब थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूंगा, दैट इज योर समेशन ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉक वाइज कंसिडरिंग एज अ पॉजिटिव. मैं पॉइंट ए पे ले रहा हूं, एम ए इक्वल टू जीरो, तो यहां से अब इधर से शुरू करता हूं, जो एंटी क्लॉक वाइज ले रहा है पॉजिटिव, तो आर बी ऊपर ले जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव, टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से 2+2+6, तो आर बी पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है इंटू 10, आर बी इंटू 10, ये 30 kN किधर ले आएगा क्लॉकवाइज, तो निगेटिव होगा -30. ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ जी, टोटल 4, लेकिन मैं ले कहां से ले रहा हूं यहां से, तो ये हो गया 2+2 4+4, तो टोटल हो गया 8, ठीक है. अब वहां से यहां पे आऊंगा, ये वाला किधर ले जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, पॉजिटिव 100 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या निकल जाएगा, आर बी इंटू 10 इक्वल टू दैट इज योर, ये हो जाएगा आपका 240, और ये हो गया 100, तो ये बचा आपका 140, तो यहां से आर बी इक्वल टू आ गया 14 kN. तो ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, तो ये दे देगा मुझे आर ए वी, दैट इज योर 14, आपका 16 kN. तो एक चीज देखे अपन कि अगर अपन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते जाएंगे तो कैसा भी लोडिंग कंडीशन रहे हमारा आराम से क्या निकल जा रहा है, रिएक्शंस निकल जा रहे हैं. तो ये रिएक्शन पहले निकालेंगे, उसके बाद आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये आपका इजी होता है, ठीक है ना. सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको रिएक्शंस निकालने ही पड़ते हैं, ठीक है. ठीक है, बात करते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए. तो शेयर फोर्स में, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में हम साइन कन्वेंशन लेंगे. देखिए आपका जो साइन कन्वेंशन है फॉर द शेयर फोर्स अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से. तो अपन एक साइन कन्वेंशन आप ले लो, जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कोई इशू नहीं रहेगा उसमें, लेकिन कन्वेंशनल, फॉर एग्जाम्पल आप ई एस का कन्वेंशनल पेपर लिख रहे हो या ए एस का कन्वेंशनल पेपर लिख रहे हो, तो उस समय आपको क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले एजम्पशंस लिखने पड़ेंगे. तो एजम्पशंस में आप बता देना कि भाई मैं ये साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं, ठीक है. ठीक है, तो हम लोग फॉलो करने वाले इस पूरे चैप्टर में साइन कन्वेंशन. मैं लूंगा क्लॉकवाइज शेयर फोर्स को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, तो वो कैसे रहेंगे, शेयर फोर्स तो वर्टिकल फोर्सेस में भी दिखेंगे, तो कैसे रहेगा वो, इसको डिवाइड कर दिया. तो अगर डिवाइड करूंगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड. सिमिलरली अगर इसको डिवाइड किया तो ये वाला हो गया मेरा राइट हैंड साइड,
ये वाला हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से शुरू करता हूं सॉल्व करना शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड से अगर शुरू करता हूं तो राइट हैंड साइड डाउनवर्ड क्या कंसिडर करूंगा पॉजिटिव, और अपवर्ड क्या कंसिडर करूंगा निगेटिव। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं तो अपवर्ड क्या कंसिडर होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड से डाउनवर्ड क्या कंसिडर करूंगा निगेटिव, ठीक है ना। तो एज पर जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा अपन चलेंगे, राइट हैंड साइड से डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड निगेटिव, ठीक है ना, ठीक ठीक है। एंड फॉर द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए दो केसेस होंगे, एक होगा आपका सैगिंग केस, एक होगा हॉगिंग केस। सैगिंग केस में क्या होगा, इट विल बी बेंड लाइक दिस एंड द बीम विल बेंड लाइक दिस। सो हियर अगेन आई एम डिवाइडिंग टू सेक्शन, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, इधर भी आपका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। अगर आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन शुरू करते हो राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा वो क्या कंसिडर करूंगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो बीम को क्या करेगा सैगिंग, ठीक है ना, ये केस क्या कहलाएगा आपका सैगिंग केस, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड साइड से आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट कंसिडर एज अ निगेटिव फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और आपका लेफ्ट हैंड साइड से क्या कंसिडर होगा दैट इज योर क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। ये देख लो भाई कैसा है, ये किधर ले जा रहा है क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव, कौन सा केस सैगिंग केस, ये कौन सा केस हो जाएगा हॉगिंग केस। तो ये अगर आपको ध्यान है साइन कन्वेंशन तो आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो दैट इज योर सैगिंग केस, दिस इज योर हॉगिंग केस। अब बात करते हैं थोड़ा सा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या होगा या डिफाइन कैसे होता है शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट। दिस इज योर एल्जेब्रिक सम ऑफ आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूंगा तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेज आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का क्या निकल जाएगा मेरा शेयर फोर्स। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूंगा तो बेंडिंग मोमेंट आइदर द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। देखते हैं अभी कैलकुलेशन में देखेंगे कि कैसे कैसे होता है बीम का, ठीक है। अब वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं देखूंगा वेरिएशन ऑफ द शेयर फोर्सेस, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे तो आपका शेयर फोर्स एक्चुअली होता क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी उल्टा क्वेश्चंस भी पूछते हैं। आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे दिए रहेंगे, लोडिंग कंडीशन पूछ देंगे कि कैसा है लोडिंग कंडीशन, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर ये पॉइंट्स आपको ध्यान है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स में दो पॉइंट के बीच का वेरिएशन अगर सिर्फ पॉइंट लोड लगा है, यूडीएल वगैरह नहीं लगा है, सिर्फ पॉइंट लोड लगा है, उस समय कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होता है, ठीक है ना। क्या वेरिएशन होगा, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, और मोमेंट का कोई रोल नहीं होगा शेयर फोर्स डायग्राम में, और यूडीएल देगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन वेरिएशन। ये जो पॉइंट्स मैं बोलते जा रहा हूं अभी कैलकुलेशन करेंगे और जब ड्रॉ करूंगा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट तब देखेंगे, ठीक है ना। कैसा वेरिएशन दिया, अगर दो पॉइंट लोड के बीच कोई लोड नहीं लगा तब कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, मोमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। यूडीएल आया तो वो देगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, अगर यूवीएल आ गया तो शेयर फोर्स में वो वेरिएशन देता है पैराबोलिक, ठीक है। और जो पॉइंट लोड जहां पे लगा है वहां पे क्या देगा, उतना वर्टिकल वेरिएशन देता है, क्या देता है वर्टिकल वेरिएशन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स अगर आपको ध्यान है तो आप उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे अभी ये आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा, ठीक है ना। सेम बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन अगर मैं देखता हूं तो आपका दो पॉइंट के बीच अगर दो पॉइंट लोड है उसके बीच कोई लोड नहीं लगा है तो आपका वेरिएशन क्या रहेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में तो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट क्या देगा वर्टिकल वेरिएशन देगा उतने ही मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना। और यूडीएल लगा है तो वो क्या देगा पैराबोलिक वेरिएशन, और यूवीएल लगा है तो क्यूबिक पैराबोलिक वेरिएशन, कौन सा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये जितने वेरिएशंस हैं और जितने कॉन्सेप्ट अभी तक अपन देखे हैं वो कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपन क्या बनाएंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कोई भी बीम का, कोई भी बीम, कोई भी लोडिंग कंडीशन, ठीक है ना। तो अभी एग्जांपल्स लेते हैं और उसके शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहां पे हम क्वेश्चन एक लिए हैं कैंटिलीवर बीम का, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, डिस्टेंस
एल्पे डिस्टेंस, एल्पे डिस्टेंस, एल्पे, तीन पॉइंट लोड एक्ट कर रहे हैं, ये कैंटिलीवर बीम है। तो एक चीज याद रखना है आपको, कैंटिलीवर बीम में रिएक्शन निकालने की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती फॉर द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें रिएक्शन निकालेंगे तब भी आपका आराम से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं भाई कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा शियर फोर्स कैलकुलेशन, क्या करूंगा शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन मैं इधर से शुरू कर रहा हूं, किधर से शुरू कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से, राइट टू लेफ्ट, तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। राइट हैंड साइड आपका डाउनवर्ड क्या रहेगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, हमारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सो इट विल बी पॉजिटिव डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो आपका पॉइंट बी, आप एस एफ एट बी, शेयर फोर्स एट बी विल बी टू डब्ल्यू, किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो पॉजिटिव। और बी टू सी, बी टू सी वेरिएशन क्या होगा, यहां पे दो पॉइंट लोड बस एक्ट कर रहे हैं, बीच में ना तो यूडीएल है ना तो कुछ है, ना तो यही कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है, तो इस समय क्या हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन वेरिएशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, ठीक है। अब बी पॉइंट राइट हैंड साइड से शुरू किया, बी पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट के बाद धीरे 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 बढ़ते बढ़ते सी पॉइंट पे आऊंगा, तो ये राइट हैंड साइड का पूरा एल्जेब्रिक सम, तो एल्जेब्रिक सम एट द पॉइंट सी विल बी डब्ल्यू, किधर आ रहा है, टू डब्ल्यू किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इट विल बी पॉजिटिव। थ्री डब्ल्यू देखो इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, तो ये पॉइंट सी पे है तो ये कंसिडर होगा, और किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इट विल बी निगेटिव माइनस थ्री डब्ल्यू, तो टोटल कितना आ गया भाई माइनस डब्लू। अब देखो पॉइंट सी और डी के बीच वेरिएशन क्या हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि कोई दूसरा लोड एक्ट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ओके। और आपका एस एफ डी, अब यहां से चलते चलते डी पॉइंट पे आया, तो डी पॉइंट पे आपका ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड टू डब्ल्यू पॉजिटिव, ये अपवर्ड माइनस थ्री डब्ल्यू, और यहां पे ये डाउनवर्ड फिर से प्लस टू डब्ल्यू, तो टोटल कितना आया डब्ल्यू, तो दैट विल बी योर डी टू ए वेरिएशन विल बी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट लोड के बीच में कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, ठीक है, तो दैट विल बी एट द पॉइंट डी। अब पॉइंट ए की बात करता हूं, एस एफ ए, इट विल बी यहां से यहां तक आया, यहां पे क्या हो जाएगा 2W माइनस 3W प्लस 2W, और यहां पे आपका फिलहाल अभी रिएक्शन कंसीडर नहीं किया हूं, अगर मैं रिएक्शन कंसीडर करता हूं दैट इज योर आर ए वी आर ए एच, और एक रिएक्शन आएगा मोमेंट एम ए, तो ये रिएक्शन अगर काउंट करूंगा तो टोटल सम एट द ए पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन ये अभी कितना आ रहा है शेयर फोर्स, दैट इज योर प्लस डब्ल्यू, तो यहां पे आपका रिएक्शन आर ए वी कितना आ जाएगा माइनस डब्ल्यू, कितना आ जाएगा माइनस डब्ल्यू, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका यहां पे रिएक्शन कितने के बराबर हो जाएगा, इसके जस्ट दैट इज योर इक्वल टू मैग्नीट्यूड डब्ल्यू रिएक्शन के बराबर, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब यहां पे आपका शेयर फोर्स डायग्राम मैं ड्रॉ करने जाऊंगा, सबसे पहले मैं एक जीरो जीरो लाइन ड्रॉ करूंगा, ये हो गया मेरा जीरो जीरो लाइन, अपवर्ड होगा पॉजिटिव, इसके नीचे हो जाएंगे निगेटिव। तो देखते हैं एट द पॉइंट बी आपका कितना आया था शेयर फोर्स 2W, क्या पॉजिटिव, तो ये ऊपर गया आपका, यहां से ये ऊपर गया कितना 2W, और आपका बी टू सी वेरिएशन क्या है कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, तो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन वेरिएशन हो गया, ठीक है। अब एट द पॉइंट सी आपका वैल्यू कितना आया माइनस W, तो कितना नीचे आएगा ये W नीचे आ गया, तो ये टोटल आपका W नीचे आ गया, ठीक है। अब सी टू डी वेरिएशन क्या है, फिर से कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, अब डी पे वैल्यू क्या है प्लस डब्ल्यू, तो ऊपर चला गया प्लस डब्ल्यू, और डी टू ए वेरिएशन क्या है कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन,
और यहाँ पे अगर रिएक्शन कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा आपका जीरो. तो शेयर फोर्स एट द ए विल बी डब्ल्यू, बट रिएक्शन कंसिडर करूंगा तो टोटल आपका जीरो होगा. तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव शेयर फोर्स, ये हो गया पॉजिटिव शेयर फोर्स, ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम. अब देखो आपका दो पॉइंट लोड के बीच वेरिएशन कैसा रहा, कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन, और यहां पर कितना लगा था 2W, तो 2W का वर्टिकल वेरिएशन दिख रहा है ठीक है. यहां पे कितना लगा है 3W का पॉइंट लोड, तो 3W का वर्टिकल वेरिएशन है. यहां पे ये कितना है 2W लगा हुआ है, तो 2W का वर्टिकल वेरिएशन है यस. और यहां पे रिएक्शन आएगा आरएबी डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू का क्या हुआ आपका रिएक्शन है, वो वर्टिकल वेरिएशन है ठीक है भाई. तो ये क्या हुआ शेयर फोर्स डायग्राम, ये क्या हुआ शेयर फोर्स डायग्राम. तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए जो बातें किए थे वो सारी बातें इसमें अप्लाई हो गई. नाउ लेट्स ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन होगा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कहां से ले रहा हूं, राइट हैंड साइड से. तो राइट हैंड साइड से आपका ये कैसा होगा, नीचे ला रहा है, दैट इज योर क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज कंसिडर एज अ निगेटिव ठीक है ना. तो आपका एट द पॉइंट बी एम बी विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा, तो मोमेंट विल बी जीरो ठीक है. और बी टू सी वेरिएशन विल बी इंक्लाइंड वेरिएशन, कैसा होगा इंक्लाइंड वेरिएशन होगा ठीक है. एट द पॉइंट सी एम सी विल बी, यहां से यहां आया, अब इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया एल, तो 2W इंटू एल किधर ला रहा है, नीचे ला रहा है, दैट विल बी यूर माइनस 2W एल. ये हो गया एट द पॉइंट सी बेंडिंग मोमेंट, और यहां पे हो जाएगा वेरिएशन सी टू डी इज द इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ओके. अब एट द पॉइंट डी, एट द पॉइंट डी क्या हो जाएगा, यहां पे आया, अब देखो 2W इंटू 2L किधर, नीचे माइनस 2W इंटू 2L, तो ये हो गया माइनस 4WL, और ये किधर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है 3W इंटू L, तो ये दैट विल बी पॉजिटिव प्लस 3W इंटू L, तो टोटल कितना हो गया माइनस W इंटू L, और वेरिएशन क्या हो जाएगा भाई आपका, वेरिएशन हो जाएगा फिर से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन D2A इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ओके. नाउ एट द पॉइंट ए अगर मैं कैलकुलेट करूं हमारा मोमेंट, तो इट विल बी यूर, यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, ये क्या हो गया 2W इंटू 3L, दैट विल बी यूर माइनस 2W इंटू 3L, मतलब 6WL, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2L, दैट इज यूर प्लस 6WL, और ये कितना हो गया माइनस 2WL, तो बचा कितना माइनस 2WL, that will be the moment at the A. Now let's draw the bending moment diagram. It will be zero zero line. अब देखते हैं bending moment की बात करते हैं, यहां पर bending moment क्या होगा at the point B, that is your bending moment zero zero. दूसरा आपका at the point C क्या आया है minus 2WL, मतलब नीचे आ गया, That will be your 2WL. और वेरिएशन कैसा है दोनों के बीच, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो इंक्लाइंड वेरिएशन हो गया ठीक है ना. उसके बाद एट द पॉइंट डी क्या है माइनस WL, मतलब यहां कहीं ऊपर चला जाएगा WL. दोनों के बीच वेरिएशन कैसा है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ठीक है, कैसा है भाई C to D वेरिएशन इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. उसके बाद एट द पॉइंट ए इज यू माइनस 2WL, दैट विल बी यूर माइनस 2WL, तो ये हो जाएगा आपका 2WL. और यहां पे अगर रिएक्शन कंसीडर करोगे तो ये जीरो, तो ये रिएक्शन, ये देखो वर्टिकल वेरिएशन दिख रहा है, ये वर्टिकल वेरिएशन किस वजह से आया होगा, ये जो रिएक्शन मोमेंट लग रहा है, ये जो रिएक्शन मोमेंट लग रहा है उसकी वजह से ये आया है वर्टिकल वेरिएशन. दिस विल बी योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम एंड दिस लोडिंग कंडीशन ठीक है. तो ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट है वो दे रहा है वर्टिकल वेरिएशन, ये आपका मोमेंट रिएक्शन होगा, इतना क्लियर है ठीक है ना. सिमिलरली एक दूसरा कैंटिलीवर बीम लिया है, ये क्वेश्चन ठीक है हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपका, जिसमें आपका क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें सिर्फ मोमेंट एक्ट कर रहा है ठीक है,
तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट में आपका मोमेंट एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना करने के लिए जाऊंगा तो इट विल बी शेयर फोर्स का क्या होगा, जीरो जीरो लाइन, ठीक है ना। अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन यहां से शुरू करूंगा, तो यहां से जब शुरू करूंगा चलते गया कहीं पे फोर्स लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मोमेंट लगा हुआ है। तो शेयर फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। सो हियर शेयर फोर्स विल बी जीरो, शेयर फोर्स विल बी जीरो। नाउ मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जीरो जीरो लाइन। यहां पे ये किधर ले जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड से मैं शुरू करूंगा तो क्या होगा? ऊपर ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इट विल बी कंसिडर एज अ पॉजिटिव। और यहां पे मोमेंट कितना आ रहा है? अभी मोमेंट की वैल्यू है एम, तो आपका एम ऊपर वर्टिकल वेरिएशन देगा इतना, ये वर्टिकल वेरिएशन दिया कितना एम, ठीक है ना। बी से सी पे आऊंगा, बी से सी पे आऊंगा। अगर आपका दो मोमेंट लगा है उस समय आपका वेरिएशन कैसा होगा? इट विल बी कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन, इट विल बी कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ आपका दो मोमेंट की बात कर रहा हूं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या हो जाता है? वो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन हो जाता है वेरिएशन, ठीक है ना। सिर्फ मोमेंट लगा हुआ है तो, पॉइंट लोड लगा रहेगा तो इंक्लाइंड वेरिएशन, ठीक है। तो यहां पे कितना है? 2m, तो m ऊपर ले जा रहा था, 2m किधर ला रहा है? क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो m माइनस 2m दैट विल बी माइनस m, तो किधर आएगा? नीचे, दैट विल बी m। तो ये हो गया आपका m, यहां से यहां फिर से कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन वेरिएशन। और यहां पे टोटल कितना हो गया? माइनस एम प्लस 3m दैट विल बी 2m, तो ये हो गया आपका प्लस 2m, तो ये हो गया ऊपर 2m, और फाइनली ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन वेरिएशन और ये जीरो। तो यहां पे ये वर्टिकल वेरिएशन किस वजह से आएगा? यहां पे जो रिएक्शन आएगा मोमेंट, यहां पे जो मोमेंट रिएक्शन आएगा उसकी वजह से ये वर्टिकल वेरिएशन। यहां पे ये 3m का वर्टिकल वेरिएशन, यहां पे ये 2m का वर्टिकल वेरिएशन। यहां पे वैल्यू कितनी है? ये m है, यहां पे ये m है, तो 3m में माइनस m मतलब ये टोटल 2m, ये 2m और यहां से यहां 2m, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया m, तो टोटल कितना हो गया 3m, और ये वाला कितना हो गया? ये वाला m, टोटल 2m। तो ये वेरिएशंस देंगे, वर्टिकल वेरिएशंस देंगे किसमें? जब आपका सिर्फ मोमेंट लगा रहेगा, क्लियर है, ठीक है ना। एक बीम कंसिडर किया हूं, ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन विल बी सिमिलर हियर, ऐसा ही होगा। एक क्वेश्चन जो लिया हूं तो दोनों को मिक्स कर दिया हूं, क्या किया हूं? पॉइंट लोड भी लिया हूं और मोमेंट भी लिया हूं। तो इसमें देखते हैं अपन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैसे होगा? पहले शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए जाता हूं, किधर से शुरू कर रहा हूं मैं? राइट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से। सो शेयर फोर्स कैलकुलेशन क्या होगा? राइट हैंड साइड एट द बी, एस एफ बी विल बी यूर, किधर ला रहा है? नीचे ला रहा है, तो इट विल बी कंसिडर एज अ पॉजिटिव डब्ल्यू। और बी टू सी वेरिएशन विल बी, इट शुड बी कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन, यस और नो, ठीक है ना। कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो इट शुड बी कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन। अगेन अगर मैं जाता हूं एस एफ सी, सी पॉइंट पे गया तो एक ही पॉइंट लोड है डब्ल्यू, दैट विल बी अगेन पॉजिटिव, और आपका सी टू डी वेरिएशन विल बी कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन। एंड एस एफ डी दैट विल बी, यहां पे डी पे, डी पे वेरिएशन कैसे होगा देखते हैं, और वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड वो देखते हैं। यहां पे कितना हुआ? डब्ल्यू नीचे ला रहा है पॉजिटिव, यहां पे 2w ऊपर ले जा रहा है दैट विल बी नेगेटिव माइनस 2w, तो बचा कितना? माइनस w। एंड डी टू ए वेरिएशन विल बी अगेन कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन। एंड एट द पॉइंट ए, एस एफ ए दैट विल बी यूर w माइनस 2w दैट विल बी माइनस w, अगर रिएक्शन लूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू w, और वो टोटल आपका शेयर फोर्स वहां पे जीरो कर देगा। लेकिन आपका वैल्यू कितना है शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए? दो वैल्यूज होंगे, एक होगा आपका w और दूसरा होगा जीरो, ठीक है। नाउ पहले अगर शेयर फोर्स कैलकुलेशन हो गया तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इट विल बी जीरो जीरो लाइन, जीरो जीरो लाइन, ठीक है ना। तो यहां पे आपका शेयर फोर्स क्या होगा?
इस पॉइंट पे कितना आया है, बी पॉइंट पे प्लस डब्ल्यू, मतलब ऊपर, ये हो गया आपका डब्ल्यू, ठीक है। सी पॉइंट पे कितना है, डब्ल्यू ही है, और यहां से यहां वेरिएशन कैसा है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन। आगे वेरिएशन कैसा है आपका, सी टू डी, कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन, और यहां पे भी डब्ल्यू वेरिएशन है, ठीक है ना। एट द पॉइंट डी माइनस माइनस डब्ल्यू, दैट इज यूर नीचे आ जाएगा डब्ल्यू, और यहां से यहां ये आ गया डब्ल्यू, फिर से आपका अप टू ए कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन, एंड दिस विल बी यूर कंप्लीट, दिस इज यूर शेयर फोर्स डायग्राम, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एस एफ डी हो गया इसके लिए, ठीक है ना। नाउ लेट्स ड्रॉ बी एम डी, तो उसके लिए पहले क्या करूंगा, बी एम डी कैलकुलेशन करूंगा। लेट्स सी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन, सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। नाउ एट द पॉइंट बी, एम बी विल बी जीरो, एम बी राइट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं, कहां से शुरू कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से। सो राइट हैंड साइड से आपका क्लॉकवाइज क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए, किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सो हियर आपका एम बी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, और बी टू सी वेरिएशन क्या रहेगा भाई, बी टू सी वेरिएशन विल बी इंक्लाइंड वेरिएशन, इंक्लाइंड वेरिएशन। नाउ एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी राइट हैंड साइड से जा रहा हूं, ये किधर ले जा रहा है, क्लॉकवाइज, दैट इज यूर माइनस डब्ल्यू एल, और ये कितना दे रहा है, एम, किधर, क्लॉकवाइज, तो माइनस एम क्लॉकवाइज। तो यहां पे दो वैल्यूज हो गए, ये और ये वाला क्या देगा, जो प्रीवियस वेरिएशन था इंक्लाइंड वेरिएशन देगा, और ये वाला क्या देगा, जो मोमेंट है कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट द पॉइंट सी क्या देगा, वर्टिकल वेरिएशन देगा, क्या देगा, वर्टिकल वेरिएशन, ठीक है भाई। और आपका सी टू डी वेरिएशन विल बी अगेन क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, अगर यूडीएल लगा रहता तो वो चेंज होकर था, कोई लोड नहीं लगाया तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। नाउ आपका एट द पॉइंट डी द बेंडिंग मोमेंट विल बी माइनस टू इंटू डब्ल्यू एल, टू इंटू डब्ल्यू एल, टू इंटू डब्ल्यू एल, एंड माइनस एम, इट विल बी एट द पॉइंट डी, ओके। एंड आपका यहां पे ये वर्टिकल वेरिएशन नहीं देगा, ये तो टोटल इतना वैल्यू इंक्लाइंड वेरिएशन देगा, ठीक है ना। नाउ एट द पॉइंट ई, दैट इज यूर एम ई, तो यहां पे डी जब कैलकुलेट किया तो डी टू ई वेरिएशन क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, ठीक है ना। एट द ई पॉइंट ई, यहां पे वेरिएशन क्या होगा भाई, दैट इज यूर आपका ई पे वेरिएशन हो जाएगा, यहां से शुरू कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 3L, तो माइनस 3W इंटू एल, और ये हो गया मोमेंट, दैट इज यूर माइनस एम, और ये हो गया आपका 2W, ऊपर ले जा रहा है, मतलब वो किधर ले जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी पॉजिटिव, तो 2W इंटू एल प्लस 2W इंटू एल, और आपका ये मोमेंट किधर ला रहा है, फिर से क्लॉकवाइज, तो ये माइनस एम, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस डब्ल्यू एल माइनस टू एम। बट माई डियर फ्रेंड, यहां पे ये वाला जो एम था, ये वाला इस पॉइंट पे ई, ये क्या देगा, वर्टिकल वेरिएशन देगा, ये वाला एम क्या देगा, वर्टिकल वेरिएशन देगा, और बाकी क्या देंगे, इतना कैलकुलेशन क्या देगा, इंक्लाइंड, क्या देगा, इंक्लाइंड। तो यहां पे क्या किया मैं, ये वाला कैलकुलेशन अलग रख दिया माइनस एम, और ये वाला अलग रख दिया, तो ये टोटल कितना देगा आपका, इंक्लाइंड देगा, और ये देगा आपका वर्टिकल। एंड ई टू ए वेरिएशन विल बी अगेन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और आपका एट द पॉइंट ए, एम ए विल बी हाउ मच, लेट्स सी, यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल इसके लिए 4L, इसके लिए 2L, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, ये नीचे ला रहा है माइनस 4 इंटू डब्ल्यू एल, दैट इज यूर एम ए, एम ए पे कैलकुलेशन करते हैं, एम ए पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू डब्ल्यू एल, और मोमेंट कितना है, माइनस एम, क्लॉकवाइज ले जा रहा है,
वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, 2 × 2 + 4WL, एंड आपका मोमेंट कितना आ रहा है फिर से माइनस एम, तो दैट विल बी योर टोटल हो जाएगा माइनस 2m. वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2m एट द पॉइंट ए. क्लियर है, ठीक है ना. नाउ लेट्स ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. वहां पे रिएक्शन नहीं लिया हूं, इसलिए मोमेंट कितना आ रहा है ma, माइनस 2m. फाइनली उसको अगर मैं रिएक्शन लूंगा तो उतना ही रिएक्शन दे देगा और वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना. देखते हैं भाई शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट द बी, बी पे स्टार्ट कर रहा हूं यहां से जीरो, फिर कितना है माइनस डब्ल्यू एल और एम, तो ये हो जाएगा आपका यहां पे है माइनस डब्ल्यू एल, माइनस डब्ल्यू एल मतलब डब्ल्यू एल, और वर्टिकल वेरिएशन कितना दिया भाई एम, तो ये हो गया आपका टोटल डब्ल्यू एल प्लस एम. नीचे ले रहा हूं इसलिए माइनस साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है. और आपका एट द पॉइंट डी, डी पे कितना आया है माइनस टू डब्ल्यू एल इंटू माइनस टू डब्ल्यू एल प्लस एम, तो ये और नीचे आ जाएगा, इट विल बी यू यहां पे कहीं पे होगा, क्योंकि यहां पे ये वैल्यू कितना हो गया डबल हो गया टू डब्ल्यू एल प्लस एम, तो इट विल बी लाइक दिस इंक्लाइंड लाइन वेरिएशन. ओके, उसके बाद डी पॉइंट के बाद ई पे कितना आया भाई आपका, आया है माइनस डब्ल्यू एल और माइनस एम, मतलब ये आ गया लगभग लगभग इसके इक्वल आएगा, दैट इज यूर डब्ल्यू एल प्लस एम, डब्ल्यू एल प्लस एम दैट इज यूर एट द पॉइंट ई. और उसके बाद क्या है आपका वर्टिकल वेरिएशन है कितने का एम का, कितने का एम का, सो इट विल बी आपका यहां पे हो जाएगा टोटल, टोटल आपका वेरिएशन ये वाला टोटल कैलकुलेशन कितना हो रहा है माइनस डब्ल्यू एल माइनस टू एम, तो इट विल बी माइनस डब्ल्यू एल प्लस यहां पे वेरिएशन, इट विल बी लाइक दिस एंड टोटल हो जाएगा डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल प्लस यहां पे कितना एल लिखा था जी, ये हो गया आपका डब्ल्यू एल प्लस एम, और ये हो गया आपका इंक्लाइंड लाइन वेरिएशन. और उसके बाद कितना नीचे आ रहा है और माइनस एम नीचे आ रहा है, तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, एंड ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू एल प्लस टू एम, डब्ल्यू एल प्लस टू एम टोटल, टोटल कैलकुलेशन. उसके बाद एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए कितना आया है माइनस टू एम, कितना आ रहा है माइनस टू एम, इट विल बी माइनस टू एम, यहां कहीं कंसिडर कर लिया तो माइनस टू एम, तो इट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम.